आप देख रहे हैं डाबरा समाचार, सच हम दिखाते हैं। और इस समय सबसे बड़ा सच ये है, हम दूसरी बार कह रहे हैं आपसे, सबसे बड़ा सच ये है कि चंद्रशेखर रावण पे जो हमला हुआ है, इसको जो हमारे देश की मीडिया है बहुत हल्के में ली है। चंद्रशेखर रावण वो व्यक्ति, अत्याचार किसी के साथ हुआ, समाज में किसी के साथ अत्याचार हुआ हो, नरसंहार हुआ हो, दलित ही नहीं, किसी के साथ, किसानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो चंद्रशेखर रावण ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और प्रमुखता से आवाज उठाई। लेकिन उनके हमले, उनके ऊपर हमले हुए हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। जिस तरीके से रावण ने लोगों के लिए मजबूती से आवाज उठाई है, उनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। और यहां तक कि मीडिया ने भी बहुत हल्के में लिया। जो हमारे देश की मीडिया है, अगर ये हमला किसी और पे होता, ये हमला कहीं सत्ता पक्ष की पार्टी पे होता या विपक्ष किसी के पास होता, तो अब तक जो है मीडिया में बहुत प्रमुखता से दिखाया गया होता। मीडिया में ना दिखाया जाना, उनके लिए आवाज को बुलंद ना करना, उनके लिए चाहे वो देश की सत्ता पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो या दलितों की पार्टी हो, दलितों के भी नेता चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे आज उनकी पारी है, कल तुम्हारी बारी आएगी। और दलित तो हमेशा भेड़ बकरियों की तरह कटता रहा है और अपनी बारी का इंतजार करता रहा है। हजारों साल से दलितों के ऊपर अत्याचार, नरसंहार हुआ है। वो चाहे जमाना मुगलों का हो, वो चाहे जमाना अंग्रेजों का हो, वो चाहे जमाना कांग्रेस का हो, वो चाहे जमाना भारतीय जनता पार्टी का, हमला हमेशा हुआ है। क्योंकि लोग कहते हैं दलित, दलित मतलब कमजोर, नीच, अधर्मी, अशिक्षित। लेकिन दलितों की तादाद इस देश में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा संख्या बल होने के बाद भी दलित दलित बना हुआ है, कमजोर बना हुआ है। और दलितों को खाना खिलाने वाले, दलितों को अपने पास बैठाने वाले, दलितों का वोट लेने वाले कहते हैं मैंने दलित के साथ ऐसा किया, मैंने दलितों को अपने साथ जोड़ा, अपने खाना खिलाया, उनको एक प्राउडेशन होता है, हमने दलितों के लिए इतना बढ़िया काम किया। दलितों को इंसान नहीं समझते हैं लोग, दलितों को बहुत ही नीच समझते हैं, इस्तेमाल करने वाली चीज समझते हैं। दलितों की बहन बेटियों को बिल्कुल इस्तेमाल करने वाली चीज समझा गया है, हमेशा इस्तेमाल किया गया है। अत्याचारों की तो लंबी फेरिस्त है, वो शंभुक ऋषि का वध हो या रावण पे हमला, इसके बीच में भी बहुत से नरसंहार हुए हैं, बहुत से अत्याचार हुए हैं, बहुत से उत्पीड़न हुए हैं। लेकिन किसी ने इनके मर्म और दर्द को नहीं समझा। अगर समझा तो बाबा साहब ने समझा, और बाबा साहब ने एक चीज दी, आरक्षण, आरक्षण थोड़ी रात जरूर मिली। लेकिन अगर दलित तरक्की किया है, दलित कुछ बना है, तो अपने दम अपने बल पे बना है। किसी की औकात नहीं है कि दलित को कुछ बना दे। इस देश का प्रधानमंत्री दलित नहीं बन सकता, ना कोई बनने देगा, क्योंकि बनेगा वो तो संविधान जो बाबा साहब बनाया सही तरीके से लागू करेगा, सही तरीके से उस पर काम करेगा, और ये जो तबका है ये ऊपर उठ जाएगा। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो देश में जो असली आजादी होती है उसका तभी पता चलेगा कि असली आजादी होती क्या। असली आजादी होता कि जो तबका हजारों साल से दबा हुआ उसको ऊपर लाया जाए। लेकिन उसको लाने के लिए कोई कोशिश नहीं किया है, न कोई कर सकता है, न कोई करेगा। सत्ता का मजा लेना है, इनके वोट का इस्तेमाल करना है, इनको राशन देना है, इनको जैसे चाहो वैसे दलितों को इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल ही किया, इनको अछूत समझा। इस देश में रावण, चंद्रशेखर रावण जो मोचो पे ताव देता है, जो काफिलों के साथ चलता है, जो गुरूर से बात करता है, जो मजबूती से बात करता है, बेबाकी से अपनी बात रखता है, मीडिया में अपनी बात कहता है, ये किसको शोभा देता है, ये किसको पसंद आएगा,
कि दलित नौजवान होकर के ऐसी बात करता है? लाग लपेट की बात नहीं करता रावण, सीधे बोलता है, मीडिया में सीधे बोलता है, सीधी बात करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे नौजवान, जो दलित समाज के नौजवान है, जो कमजोर है, जो दबे कुचले हैं, वो भी आगे आएंगे और मर्दानगी से लड़ेंगे और न्याय के लिए, जो भीम आर्मी के लोग न्याय की, न्याय के लिए लड़ मरते हैं, मर मिटते हैं लड़ते हैं। हम लोगों ने देखा है कि भीम आर्मी के, भीम आर्मी का खौफ है एक तरह से, अगर अत्याचार करेंगे और जहां भीम आर्मी है वहां वो आवाज उठाएगी, वो लड़ेगी, भले ही उसको जेल जाना पड़े, भले ही मार खाना पड़े, भले कुछ भी हो, लेकिन भीम आर्मी के लोग न्याय के लिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो कहना यह चाहता हूं कि देश की मीडिया भी दलितों की नहीं है, इस देश का सत्ता पक्ष भी नहीं है और इस देश का विपक्ष भी नहीं है दलितों के साथ, सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना हमला होता तो बहुत कुछ हो जाता। और हमलावर जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, शासन प्रशासन जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करे और उनको जेल भेजे, इसी में भलाई है। और आने वाले दिनों में दलित नेतृत्व का एक नया उभरता हुआ चेहरा रावण निश्चित है कि जो जो लोग दलितों के मसीहा बनते हैं, झूठे मसीहा बनते हैं, जो दलितों को इस्तेमाल किया है, बेचा है, वोटों को बेचा है, टिकट को बेचा है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग ईडी और सीबीआई के नाम पर हजारों करोड़ रुपया छुपा के बैठे हुए, दब के बैठे हैं, डर के बैठे हैं, ऐसे नेताओं से, ऐसे पार्टी, सावधान रहने की जरूरत है और उनके साथ चलने की जरूरत है जो दलितों के लिए मर मिटने को तैयार है, जो गोली खाने को तैयार है, जो कुछ भी कर सकने को तैयार है, ऐसे लोगों को नेतृत्व देने की जरूरत है, ऐसे लोगों के साथ चलने की जरूरत है, दलितों, नौजवानों और जितने भी दलित वोटर हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल दिमाग से हटा दें, दलितों का इस्तेमाल करते हैं और एक कमरे में बैठ के प्रेस वार्ता करते हैं और करते कुछ नहीं। कोई भी आंदोलन हो, अगर देखा गया तो चंद्रशेखर रावण को देखा गया। चंद्रशेखर रावण ने आवाज को बुलंद किया है, हमेशा आवाज को बुलंद किया है और सबके लिए किया है। समाज का कोई भी वर्ग अगर सड़कों पर रहा है तो रावण गए हैं और रावण ने आवाज उठाई है। साथियों, हमारे कहने का मतलब यही है कि चंद्रशेखर रावण दलित है और उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता किसी को बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़ी बात जो कोई नहीं कह पाया वो चंद्रशेखर रावण ने कहा। बृजभूषण शरण सिंह, जो इतना बड़ा बाहुबली, जिसका जिसका इतना बड़ा ढंका, जिसे मोदी और शाह भी डरते हैं, उस आदमी को रावण ने कहा कि सीधे जाके घर में घसीट कर लाए। ये किसको बर्दाश्त होगा? ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। बृजभूषण शरण सिंह को चैलेंज करना और अपनी बात को मजबूती से रखना, कोई सीखे तो चंद्रशेखर रावण से। कानून कुछ नहीं कर पाया बृजभूषण शरण सिंह का, लेकिन इतनी बात को चंद्रशेखर रावण ने कहा, ये बात बहुतों को नागवार गुजरी है और चंद्रशेखर के साथ कुछ भी हो सकता है और कोई भी कर सकता है उनके साथ हमला, उनकी हत्या, तो उनको सुरक्षा दी जाए। शासन प्रशासन से यही कहता हूं, उनको सुरक्षा दी जाए। दलितों में बहुत सारे लोग चंद्रशेखर रावण बनने के लिए तैयार हैं, उनके क्रांतिकारी भावना को लेकर चल रहे हैं। अगर एक चंद्रशेखर रावण मरेगा तो बहुत से रावण तैयार हो जाएंगे। साथियों, थोड़ी सी बात कह देते हैं हम लोग, क्योंकि बड़ा देख करके जो अत्याचार हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, जो इस्तेमाल हो रहा है, देख करके दिल दबित हो जाता है। आने वाले समय में मजबूती से चंद्रशेखर रावण उभरेंगे और एक नया विकल्प बनेंगे और नौजवान साथियों को, दलितों को, दलित समाज को, शोषित समाज को एक साथ लेकर चलेंगे और अच्छा नेतृत्व देंगे, अच्छी मजबूती से उनको एक रास्ता देंगे, सत्ता की चाबी उनको जरूर मिलेगी। आने वाले दिनों में हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं, बार बार उनको कहते हैं कि आप बिल्कुल सावधान रहें और सुरक्षित रहें और अपनी सुरक्षा लेकर चलें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय डबरा समाचार।